तो दोस्तों आज भारत के लिए बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, क्योंकि भारत के वैज्ञानिक जल्द से जल्द भारत के स्वदेशी बॉम्बर का एक महापरीक्षण शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं अपने स्वदेशी महाबली से जुड़ी सारी खबरों के बारे में। तो दोस्तों अपने DRDO की एक शाखा है कॉम्बैक्ट व्हीकल रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, और इसके तरफ से एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया गया है। और इस रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के अंतर्गत भारत का जो स्विफ्ट UCAV था उसके लैंडिंग गियर की टेस्टिंग करी जानी है। अब दोस्तों लैंडिंग गियर क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो स्क्रीन पर आप सभी एक फोटो देखिए, इसमें आप सभी एक UCAV को देख रहे होंगे और ये जो आप देख रहे हो यही 3 लैंडिंग गियर होते हैं किसी भी UCAV के अंदर। इन्हीं लैंडिंग गियर के माध्यम से कोई भी UCAV या फिर एयरक्राफ्ट आसानी से किसी सरफेस पर उतर सकता है और वहां से टेक ऑफ भी कर सकता है। अपने स्विफ्ट UCAV के परीक्षण के लिए एक शर्त रखी गई है कि यह जो लैंडिंग गियर है स्विफ्ट UCAV का, उसकी जो क्षमता है वो 1 टन के आसपास होनी चाहिए ताकि स्विफ्ट UCAV का जो वजन है वो लैंडिंग गियर अच्छी तरीका से कैरी कर सके। साथ में इस परीक्षण के दौरान स्विफ्ट UCAV को अपने पूरे वजन के साथ उड़ाया और जमीन पर उतारा जाएगा, जिससे पहली बार स्विफ्ट UCAV को पूरी क्षमता के पेलोड के साथ उड़ने और उतरने की ट्रेनिंग दी जाएगी और इसकी क्षमताओं को परखा जाएगा। और दोस्तों इसके जो टैक्सी ट्रायल थे लो और हाई स्पीड वाले, वो पिछले साल ही भारत के वैज्ञानिकों ने पूरी सफलता के साथ कंडक्ट कर लिए हैं। आने वाले समय में इसकी एक फुल स्केल मॉडल और प्रोटोटाइप का परीक्षण किया जाएगा, और इसके लिए जो अपना ड्राई कावेरी इंजन है वो भारत के GTRE के द्वारा 3 सालों के अंदर पूरी तरीका से बनाकर तैयार कर लिया जाएगा, जिसके माध्यम से भारत के स्वदेशी बॉम्बर ओरा का जो पहला प्रोटोटाइप है 2026 के अंतर्गत भारत का पहला स्वदेशी बॉम्बर अपनी पहली उड़ान भर पाएगा। और इससे पहले 2025 तक इसके प्रोटोटाइप निर्माण की जो सारी प्रक्रिया है उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो दोस्तों यह थी भारत के स्वदेशी बॉम्बर ओरा को लेकर सारी अपडेट। और आप सभी भारत के स्वदेशी बॉम्बर प्रोग्राम को कितना सपोर्ट करते हो कमेंट बॉक्स में। फिर आप वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।